हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम फराना क्रेन के सेफ लोड इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। सेफ लोड इंडिकेटर किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से हमें को इसको सीखना है, तो इस बारे में हम पूरा विस्तार से बताएंगे। चलो चल के शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम क्रेन के सीट की तरफ जाएंगे तो अपने को राइट साइड में सेफ लोड इंडिकेटर आपको मिलेगा। इसमें जो नंबरिंग आती है, हम किस प्रकार से पहचाने, ये जानने के लिए चलो चल के वीडियो में जान लेते हैं। तो अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, यह है सेफ लोड इंडिकेटर। सेफ लोड इंडिकेटर क्रेन में किस प्रकार से काम करता है, आज हम इस बारे में पूरा जानेंगे। और सेफ लोड इंडिकेटर में जो नंबरिंग आती है, वो नंबरिंग को किस प्रकार से जाने, भाई हम गाड़ी अगर गाड़ी चलाना चाहते हैं तो दोस्तों, अगर हम आप गाड़ी चलाना चाहते हो, गाड़ी चला रहे हो या चलाना सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले जो सेफ लोड इंडिकेटर है इसको सीखना ज़रूरी है। अगर आपने ये सीख लिया सेफ लोड इंडिकेटर, तो आप आसानी से कोई भी गाड़ी चला सकते हो। तो सेफ लोड इंडिकेटर काम किस प्रकार से करता है, हम पूरा विस्तार से आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको ये ऊपर दिख रहा होगा सेफ लोड इंडिकेटर। सेफ लोड इंडिकेटर में दो लाइनें दिखेगी नंबरिंग की, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। तो इन दोनों लाइनों में जो नंबरिंग आ रही है, हम किस प्रकार से पहचाने और इनमें कौन कौन सी कहाँ कहाँ नंबरिंग है, ये पूरा मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ड्यूटी। ड्यूटी का क्या मतलब होता है, मैं विस्तार से बताता हूँ आपको। ड्यूटी का मतलब होता है, ड्यूटी अभी क्या दिखा रहा है, चार दिखा रहा है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ड्यूटी का मतलब होता है जो आपको सामने हुक दिख रहे हैं, इस गाड़ी के जो बूम के हुक दिख रहे हैं, एक दो तीन चार, जिसमें एक लगा नहीं हुए है, ये चार हुकों को ड्यूटी बोलते हैं। कई गाड़ियों में पाँच भी मिलेंगे आपको, तो उनमें पाँच हुक होंगे। तो ड्यूटी का मतलब होता है चार हुक, चारों हुकों दिखाते हैं ये गाड़ी के बूम में, चार हुक है, चारों हुक इसी में शो कर रहे हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं रेडियस में। तो दोस्तों, रेडियस किस प्रकार से ये घटता है और किस प्रकार से बढ़ता है, तो रेडियस जो आपको ये सामने बूम दिख रहा है, जब हम काम करेंगे इस गाड़ी से, कोई भी माल उठाएंगे, जब ये बूम उठेगा तो माल जो होगा वो नज़दीक आएगा, नज़दीक आएगा तो रेडियस घटेगी। और जैसे ही हम माल उठा रखा है, बूम को डाउन करेंगे, तो जो माल हमने उठा रखा है वो आगे जाएगा, तो वो रेडियस बढ़ेगा उस टाइम। तो ये जो बूम दिख रहा है आपको, ये बूम के उठने से रेडियस घटता है और डाउन करने से रेडियस डाउन होता कम होता है। उसके बाद में आगे आपको दिखेगा लोड। तो ये जो लोड दिख रहा है, इसमें अभी के फ़िलहाल के टाइम में हमने कितना वेट उठा रखा है वो इसमें शो करता है। फिलहाल टाइम में हम इस गाड़ी से कोई काम नहीं कर रहे हैं, गाड़ी खड़ा है, वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें कोई शो नहीं कर रहा है। जब आप काम करोगे, माल उठाओगे, लोड उठाओगे, उस टाइम इसमें शो करता रहेगा इतना वेट इसके अंदर है। उसके बाद में बात करते हैं हम एंगल की। तो एंगल आपने मैथ में पढ़ा है तो शायद समझा होगा एंगल क्या होता है। तो एंगल बूम, आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ, बूम और यहाँ की दूरी जो राउंड में दूरी बनती है उसको एंगल बोलते हैं। ये ऊपर आपको बूम दिख रहा होगा और यहाँ की जो राउंड में ऐसे राउंड में जो दूरी बनेगी उसको रेडियस बोलते हैं। उसके बाद में लेंथ, बूम की लंबाई कितनी है वो लेंथ यहाँ से होकरेगी इसमें अंदर। अभी 5.6 मीटर बूम की लंबाई है। और SWL का मतलब है आप इस पोजीशन में, इस एंगल में, इस रेडियस में, इस ड्यूटी के अंदर 5.6 टन तक का काम कर सकते हो। तो ये सिस्टम पूरा रहता है सेफ लोड इंडिकेटर के अंदर। और मैं आपको लिख के भी समझा देता हूँ। वैसे आप जब गाड़ी चलाओगे तो सब गाड़ी आपके सामने होगा, हुक आपके सामने होगा, बूम आपके सामने होगा, तो अपने आप आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद में नीचे आपको ये बत्ती लगी हुई दिखेगी। ये बत्तियाँ कब जलती है, हरे में हम आसानी से चले तो कोई दिक्कत नहीं, हम काम कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप काम कर रहे हो उस टाइम ये लाइट जगे, तो आपको ना काम करने की वार्निंग ये देता है। और आजकल तो ये सिस्टम है इन गाड़ियों में, ये सेफ लोड इंडिकेटर लगने के बाद में, ये मान लो आप काम कर रहे हो, अगर रेड पे आ गया तो ये काम करना बंद कर देगा। कोई भी इसका सिस्टम है जो अपने काम करना बंद कर देगा। अगर आप उठाना चाहते हो तो वो नहीं उठा पाओगे, कितना भी अगर आप इसको लीवर को खींचोगे, दबाओगे ना, तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ से आप खींचने दबा सकते हो पर आगे काम नहीं करेगा। इसी प्रकार से पहले ये बत्ती जलेगी, उसके बाद में ये बत्ती जलेगी। ये बत्ती जलने के बाद में आपको काम करना भी नहीं है, कहीं कनेक्शन कटा हो और कोई इसको हटाया हुआ हो तो आपको ये बत्ती जलने के बाद में काम नहीं करना है। तो दोस्तों, यह था सेफ लोड इंडिकेटर के बारे में पूरा जानकारी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और कोई जानकारी लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।